बच्चों और सरप्रत हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि जमाने कदीम में इंसान गारों में रहता था, अपना पेट भरने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, उस इंसान को इस बात का एहसास हुआ कि उसे शिकार में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो गुरोही शक्लों में रहने लगा। इंसान की इस गुरोही शक्ल में रहने की फितरत ने कस्बों को जन्म दिया, कस्बे छोटी बस्तियों में तब्दील हुई, छोटी बस्तियां बड़े शहरों में तब्दील हुए। तो प्यारे बच्चों, आज हम इंसानी बस्ती इस सबक का तकाबली मुतायला करेंगे। इस सबक में भारत और ब्राज़ील, इन दोनों ममालिकों के दरमियान में ये मुवाजना किया गया है कि भारत और ब्राज़ील में ऐसे कौन से जुग्राफियाई हालात है या ऐसे कौन सी कुदरती वसाइल है जिनकी बुनियाद पर भारत और ब्राज़ील, इन दोनों ममालिकों में शहरकारी और देही बस्तियों के दरमियान में तफावत पाया जाता है। ऐसे कौन से जुग्राफियाई अवामिल है या भारत की या ब्राज़ील की ऐसी कौन सी तबई साख्त है जिसकी बुनियाद पर इन दोनों के दरमियान में फ़र्क पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम भारत और ब्राज़ील, इन दोनों ममालिकों के दरमियान में मौजूद इंसानी बस्तियों का मुतायला करेंगे।